पितृपक्ष के बाद शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होता है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की पूजा 26 सितंबर यानी सोमवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि को अखंड ज्योति और कलश स्थापना के साथ होती है। पवित्र कलश की स्थापना के बाद ही देवी की उपासना की जाती है। आइए जानते हैं कि इस साल कलश स्थापना के लिए साधकों को कितना समय मिल रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सोमवार 26 सितंबर को सुबह 3:23 से प्रारंभ होगी और मंगलवार 27 सितंबर को सुबह 3:08 पर इसका समापन होगा। शारदीय नवरात्रि में देवी की पूजा से पहले 26 सितंबर को घट स्थापना होगी। इस दिन सुबह 6:28 से लेकर 8:01 तक कलश स्थापना कर सकेंगे। घट स्थापना के लिए साधकों को पूरा 1:33 का समय मिलेगा। जिन घरों में लोग व्रत रखना चाहते हैं, वहां इसी 1 घंटे के भीतर कलश की स्थापना करनी होगी। जो लोग किसी कारणवश तय मुहूर्त पर घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, वो अभिजीत मुहूर्त में भी ये काम कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह 11:54 से लेकर 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यानी अभिजीत मुहूर्त में भी आपको कलश स्थापित करने के लिए 48 मिनट का समय मिलेगा। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने का विधान है। घट स्थापना का मतलब है कलश की स्थापना करना। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम या अशोक की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। अपूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसके बाद माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के चमत्कारी मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। आइए आपको बताते हैं नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि कैसी होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और भगवान गणेश का आवाहन करें। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। सफेद माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग है। स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। पूरब या उत्तर दिशा में मुख करके पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम, सफेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान सुपारी, लौंग, नारियल और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफेद रंग के पुष्प और सफेद मिठाइयों के भोग लगाएं। पहले दिन माँ का प्रिय भोग गाय के घी से बने मिष्ठान उन्हें अर्पित करें। धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा के इस मंत्र का एक माला जाप करें। ये मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके साथ ही माँ शैलपुत्री के मंत्रों का 108 बार जाप करें, कथा पढ़ें और फिर देवी की आरती करें। शाम के समय रोजाना 9 दिन 9 देवियों की आरती करें। आइए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र। ओम ह्रीम शिवाय नमः। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्रै नमः। माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। चलिए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा का लाभ। माँ शैलपुत्री की पूजा से जातक के मूलाधार चक्र जागृत होते हैं। देवी शैलपुत्री के पूजन से व्यक्ति में स्थिरता आती है। माँ शैलपुत्री को देवी सती का भी रूप माना जाता है। देवी सती ने भोलेनाथ को कठोर तप से पति के रूप में पाया था। नवरात्रि में इनकी साधना से कुमारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तो ये रही नवरात्रि के पहले दिन पूजा विधि।
चलिए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की महिमा मंडल के बारे में। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की संतान है। शैल अर्थात अडिग, दृढ़ता का प्रतीक है। माँ दुर्गा से संपर्क साधने के लिए जातक का विश्वास भी अडिग होना चाहिए, तभी भक्ति का फल मिलता है। माँ शैलपुत्री को विश्वरूढ़ा, सती, हेमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री सभी पशु पक्षियों और जीवों की रक्षक मानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर ऋषभ की सवारी करती हैं। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। videodesk@amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।